हमारा कोई सरकार से नाराजगी नहीं है, हमारी तो सारी सरकारों से, केंद्र सरकारों से नाराजगी है कि ये कानून इस तरह से बना क्यों नहीं है। 75 सालों में अगर तक अगर ये सरकार भी बनाती है तो हम तो इसके लिए धन्यवाद हैं कह लेंगे। और ये बनना भी चाहिए, देश के युवाओं के लिए बनना चाहिए, बेरोजगारों के लिए मिलना चाहिए। काफ़ी समय से जनता और युवा विशेषकर बहुत परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं आवाज़ उठना शुरू हो गई है। और अब आप देखिए कि ये युवा कहाँ किस लेवल तक और किस तरह के हथकंडे भी अपना रहा है। इस बार 19 दिसंबर से ये फिर से रोजगार आंदोलन शुरू करेंगे, इस बार अनिश्चितकालीन है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज़। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट राजेंद्र शर्मा जी। जिस तरीके से रोज़गार को लेके बीते दिनों प्रदर्शन होते रहते हैं जंतर मंतर पे, उसमें से एक जो है यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस क्लब में रोज़गार के मुद्दे पे लेके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इन लोगों ने ये डिसाइड करा है कि 19 दिसंबर को एक प्रदर्शन करेंगे रोज़गार का मुद्दा ही लेके। उसमें अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। जिस तरीके से जो रोज़गार का मुद्दा है, जो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, हाथ में डिग्रियां हैं फिर भी रोजगार नहीं है, इनमें इनकी क्या राय है कि जो रोजगार का मुद्दा इतना बढ़ता चला जा रहा है? मैम देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि अभी आपने अभी देखा हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर हम लोग जो देश के अंदर जो 60 लाख पद हैं वो भरे नहीं जा रहे, और काफ़ी समय से जनता और युवा विशेषकर बहुत परेशान है। पिछले दिनों एक संसद में घटना भी हुई है, उसकी तो हम वर्णना करते हैं क्योंकि उनका तरीका सही नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं आवाज़ उठना शुरू हो गई है। और अब आप देखिए कि ये युवा कहाँ किस लेवल तक और किस तरह के हथकंडे भी अपना रहा, हम उसको लेकर के उसकी फिर बार बार कर रहा हूँ मैं दोबारा कि उसको लेकर के हम भर्तना करते रहे, लेकिन हम लोग 19 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए हम आंदोलन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं जंतर मंतर में। लेकिन ऐसे कई प्रदर्शन हैं जो रोज़गार को लेके होते हैं पर लेकिन सरकार फिर भी ध्यान नहीं देती है। आप भी 19 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लग रहा है सरकार पर दबाव बन पाएगा? देखिए, हम इसको लेकर के हमने कई बार अब तक ज्ञापन भी दिए हैं, सरकार को भी दिए हैं, और अलग देश में भी हम लोग इस बात को उठा रहे हैं, देश के अंदर सभी राज्यों में भी हम इस बात को पहुंचाने के लिए हमारे जो युवा है वो इससे जुड़े हुए हैं, और 19 तारीख को लोग भी आ रहे हैं। हमने सरकार को पहले भी बहुत सारी बातों के बारे में चिताया है, पिछले साल भी हम लोगों ने इसको लेकर के आंदोलन किया था, और उसके बाद में जो हमारे 300 के करीब संगठन है जो सब मिलकर के संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तहत ये काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उसी टाइम ये डिसाइड किया था कि इस बार 19 दिसंबर से ये फिर से रोजगार आंदोलन शुरू करेंगे, इस बार अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन है इस बार जी। तो मतलब जो आप कह रहे थे, आपने अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि जनसंख्या की कोई वजह नहीं है, लेकिन जनसंख्या भी तो एक कारण बन सकता है ना, कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है लेकिन नौकरियां उतनी है नहीं, तो कहां से लाएंगे नौकरियां फिर सरकार? हम बेरोजगारों को रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की, खाली नौकरियों की बात नहीं कर रहे। इस देश के अंदर जो रिसोर्सेज है, देश के अंदर, देश बहुत समृद्ध देश है अपना भारत देश, पहले से भी सोने की चिड़िया रहा है, यहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नियत और जो एक सिस्टम है उस सिस्टम का गैप की प्रॉब्लम है। हमसे ज़्यादा, अब तो खैर नहीं, पर हमसे ज़्यादा जनसंख्या तो चाइना की भी थी, लेकिन सबको कहीं ना कहीं काम मिल गया ना, इसी तरह से हम चाहते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो प्रारूप बना रखा है उसके अंदर 10M करके 10 पॉइंट है, उसमें से एक तीसरा पॉइंट है मिनी मार्केट। देश में जहाँ पे एक गांव है, जैसे छोटा सा क्षेत्र में, वही 5 गांवों के बीच में जहाँ पे बॉर्डर आता है उनके गांवों का, वहीं पे काम को शुरुआत करा दीजिए ना, वहाँ पे कहाँ दिक्कत लोग वहीं पर रुक जाएंगे, मतलब बड़े शहरों में आने की भी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के हमारे पास खाली उसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज है, उसके अंदर वो क्लियर आउट है, सारा मेंशन कर रखा है 10M के अंदर, तो इस चीज़ को लेकर के हमारी वहाँ सब चीज़ें क्लियर है, उसके अंदर एक बार पढ़िए, उससे सारा पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरीके से रोज़गार को लेकर लगातार युवा आवाज़ उठा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वही भाजपा सरकार कह रही है कि हमने 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष दिया है सबको, नहीं वो आंकड़े कहाँ हैं? तो उस जगह दिया है तो उसके आंकड़े कहीं भी नहीं है। 60 लाख लोग जो वर्तमान में जो स्थितियाँ भी आंकड़े बन के आए हैं, और विशेषकर जो कोरोना के बाद भी स्थितियाँ बनी है, वो तो सर्व आप सबको दिख ही रहा है ना सारी चीज़ें, और उसको लेकर के तो हम क्या बोलेंगे, वो तो डाटा बता रहा सारा खुद का आंकड़ा बता रहा है। उन्होंने लोकसभा में कई चीज़ें पेश की है कि 60 लाख पद खाली है, वो खुद बता रहे हैं बात, तो उन्हीं के मतलब जो बेरोजगार मंत्री हैं वही तो डाटा दिया, वहीं से डाटा हमने कलेक्ट करके आपके सामने पेश कर रहे हैं हम लोग। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि हमने योग्यता के आधार पर भी रोज़गार दिए हैं, 1,10,000 रोज़गार दे चुके हैं वो योग्यता के आधार पर भी।
तो 1,10,000 से इस देश में 135 करोड़ में क्या होगा, जिसे कि हमारी जो वर्तमान की जो स्थितियां हैं, जिसे हमने अभी आंकड़े आपको दिए 60 लाख पदों का खाली का, तो ये चीज़ को लेकर के अगर इसका बढ़ावा दिया जाए, और जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज बहुत है, काम बहुत है। अब जैसे सर ने अंदर आपको एक एग्जांपल दिया था कि छत्तीसगढ़ में इसमें वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, खनिज पदार्थों की कहीं कमी नहीं है, लेकिन वो सिस्टमेटिक वजह से कहीं ना कहीं उनको खुद के जो जो ओनर है उसके इसका उस ओनर को भी काम नहीं मिल रहा, वो भी परेशान है। और एक ये भी बोलते हैं सरकार की ओर से ये भी बोला जाता है कि स्वयं रोजगार करिए, बिजनेस करिए, चाहे छोटे तबके से करिए कि वो बाद में बड़ा रूप ले सकता है। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात होना भी चाहिए, लेकिन उसको जो माहौल जो कैसे बनाया जा रहा है, उसके लिए माहौल बनाने के लिए जो सरकार का सपोर्ट मिल चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा ना। युवा क्यों सड़कों पे आ रहा है? युवा इसलिए तो सड़कों पे आ रहा है क्योंकि उसे उस तरीके के आउटपुट या रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही जो विदेशों में जिस तरीके से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्योंकि देखो समय बदल गया, हम पुराने आंकड़ों को और पुराने डाटा को लेकर नहीं चल सकते। अब युवा को एक आज मल्टीमीडिया का और इसका जमाना है मीडिया का, तो इसको लेकर के वो अपनी बात रख रहा है, और रखने के बाद में चीज़ें सब कुछ आपके सामने आ भी रही है। जिस तरीके से अब वो राष्ट्रीय रोजगार नीति की बात करते हैं, तो उसमें गारंटी है कि रोजगार मिल पाएगा? राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू तो हो, कानून मांग रहे हैं हम, तो संसद से वो संसद से पास होगा, हम लोग आप लोग मिलकर के तो उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कानून तो संसद से पास होने और संसद के अंदर उस चीज़ को प्रारूप को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि देश के अंदर 75 सालों से अलग अलग सरकारें रही, हमारा कोई इस सरकार से नाराजगी नहीं है, हमारी तो सारी सरकारों से, केंद्र सरकारों से नाराजगी है कि ये कानून इस तरह से बना क्यों नहीं है। 75 सालों में अब तक अगर ये सरकार भी बनाती है तो हम तो इसके लिए धन्यवाद तय करेंगे, और ये बनना भी चाहिए, देश के युवाओं के लिए बनना चाहिए, बेरोजगारों के लिए बनना चाहिए, देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको प्रॉपर चैनल से मैनेज नहीं किया जा रहा, 11 बजे लेकर 4 बजे तक फ्री रहती है, उनको कुछ ना कुछ काम दीजिए ना, तो देश अपने आप ही तरक्की पर चलेगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, जो हमारे बीच में बहुत सारे गैप्स हैं। लेकिन जिस तरीके से 13 दिसंबर को जो घटना घटी है, जो संसद के अंदर जो 2 लोग घुस गए थे और जो कलर बम फेंक दिया था, उसमें से 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से एक जो महिला है वो कह रही है कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम इस तरीके से संसद में घुस जाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं मैम, ये इसके लिए हम आपको स्टार्टिंग में मैंने मना कर दिया था कि उसके साथ हम बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह की एक्टिविटी और इस तरह की गतिविधियों में हम लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हम शांति प्रिय चाहते हैं, शांति प्रिय आंदोलन करेंगे। हमारे सरकार जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया, सरकार ने नहीं सुना, 1 साल बाद फिर तैयारी करके हम लोग आ रहे हैं, तो हमारा काम है पूरा शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन करें और शांतिपूर्ण तरीके से ही बात को रखा जाए, शांतिपूर्ण तरीके से। आप लोगों ने पहले भी करा था इसके लिए आंदोलन? जी, पिछली बार पिछली साल यहीं दिल्ली के अंदर 16 अगस्त से 22 अगस्त तक यहीं दिल्ली में हुआ था, और 22 अगस्त को रोज ये यहाँ पे जंतर मंतर भी समापन हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनको सुना आप लोगों ने किस तरीके से ये लोग जो है शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हैं। 19 दिसंबर को अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं और रोजगार का मुद्दा ही उठा रहे हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने आंदोलन करा, तब 1 साल बाद फिर कर रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, और जो राष्ट्रीय रोजगार नीति की बात कर रहे हैं कि लागू होनी चाहिए ताकि सब लोगों को रोजगार मिले। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।